पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की संरचना कैसी थी, ये सब इस वीडियो में जानेंगे। हम सब धार्मिक तौर पर देखें तो धरती भगवान ने बनाई है, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्यों को बनाए। परंतु विज्ञान इस बात को नहीं मानता है और हम स्कूल में किताबों में भी यही पढ़ते थे कि धरती सूरज से निकला हुआ एक आग का गोला था, फिर ठंडी हो गई, फिर उसमें जीवन की उत्पत्ति हुई। क्या कभी सोचा है कि आग का गोला ठंडा क्यों हुआ होगा? कभी सोचा है कि आग में पानी कहाँ से आया होगा? ऐसे ही सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। आइए जानते हैं पृथ्वी का इतिहास। आज से 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई गैसों के मिश्रण से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ। इस धमाके से बहुत ही बड़ा आग का गोला बना, जिसे हम आज सूर्य के नाम से जानते हैं। इस धमाके के कारण इसके चारों ओर धूल के कण फैल गए। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण ये धूल के कण छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल गए और धीरे धीरे ये टुकड़े गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण आपस में टकरा कर एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे और इस तरह हमारे सौरमंडल का जन्म हुआ। और फिर चट्टाने आपस में टकराने के कारण धरती एक आग के गोले के रूप में परिवर्तन हो गई। और अगर धरती के अंदर कुछ था तो वो थी गैसें। पृथ्वी से बाहर निकल रही थी, पृथ्वी के चारों ओर जलवाष्प जमा होती रही। ऐसा कई सालों तक चला, जिसके कारण पृथ्वी पर बारिश हुई, वो भी कई सालों तक लगातार चलती रही, जिससे जहाँ पर पृथ्वी पर खड्डे हुए थे भर गया पानी और वे महासागर के रूप में परिवर्तन हो गए। और पृथ्वी बारिश के कारण ठंडी हो गई, फिर जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई, इसी तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ। और दोस्तों, ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।